हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, खाना किचन में आई हूँ। खाना क्या बनाऊँगी, बस ऐसे ही अपना स्नैक्स बना रही हूँ मैं शाम का, मुरमुरा झालमुड़ी टाइप का। सिंपल ही भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। उसके बाद खा पी के कुछ करेंगे। तो यहाँ पर वही मिक्सचर वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह, मेरा होता है ना कि मैं दो टाइम में खाना नहीं खा सकती। जैसे एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया, एक बार लंच, ये मेरी हैबिट है ही नहीं। फिर मैं डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर ऐसा लगता है पूरा भरा भरा सा। तो मैंने सोचा चलो, हस्बैंड भी अभी खा कर गए हैं, मतलब थोड़ी देर पहले वो भी लंच करके गए हैं, थोड़ा लेट हो गया वो भी। उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन नहीं धोया है, उनका खाने का बर्तन वगैरह सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, अपना काम करूंगी। यहाँ पर मैं काट रही हूँ हरी मिर्च, और मैं चक्कू खोजती खोजती परेशान हो गई। ये अंशु ने चक्कू पता नहीं कहाँ रख दिया था, और मैं इतना परेशान हो गई ढूंढते ढूंढते, फिर चलो मिल गया मेरा चक्कू। तो प्याज, हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला का पैकेट अभी मैंने खोला नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लेते हैं, ठंडी ऐसी लग रही है अभी थोड़ी सी। मैं काम वाम करते करते थोड़ी सी गर्मी जैसे लगने लगी थी मुझे, क्योंकि मैंने स्वेटर उतार दिया था। अब लग रही है, अब जाके बैठ के आराम से खाऊंगी, और उसके बाद फिर अपना और कोई सा काम करेंगे। काम तो शुरू ही हुआ है, अभी तो काम बहुत सारा बाकी है, बस पहले खा लेती हूँ चैन से बैठ के, है ना। तो चलिए चलती हूँ अपने रूम के अंदर, और देखती हूँ बाबू क्या कर रहा है। तो मैंने पढ़ने के लिए बोला था, तो मैं सारा दिन आज सो गई, और ये अपना कुछ ना कुछ फालतू के काम करते रहा। तो अब इसको पढ़ने के लिए मैंने बिठाया है, क्योंकि तो बच्चों को जब तक ना देखो ना, बच्चे पढ़ने का नाम नहीं लेते। मेरा तो ऐसे ही है, इसका मैंने नाम नहीं रख दिया है ढीट है। तो मैं खा रही थी साथ ही, उसको भी खिला देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी रजाई से निकल के आई हूँ, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद मैं बैठ गई रजाई में, और अभी निकल के आई तो बहुत ही ठंड लग रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या खाना बनाऊँ आज। तो अभी हस्बैंड से पूछती हूँ फ़ोन करके क्या खाएंगे वो। मन तो ऐसा कर रहा है बस सिंपल सा दाल चावल खाने का, दाल चावल ही बनाऊँगी मैं। थोड़ी सी उसकी सब्जी बनानी है सीताफल की, क्योंकि सीताफल काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, हस्बैंड का मन था सीताफल की सब्जी खाने का। तो मुझे सीताफल की सब्जी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ एक कप चाय, और उसके बाद फिर सब्जी, जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक सब्जी कट कर लूँगी, पहले सब्जी छोक दूँगी, क्योंकि दाल ठंडी हो जाएगी ना, दाल बनाऊँगी मतलब उसी टाइम। रात मन कर एकदम फीकी वाली चाय पीने का, मीठी मीठी चाय पी के ना एकदम मन भर गया है। चलते हैं फ्रिज में से निकालते हैं अपना कद्दू सब्जी के लिए, और फ्रिज में देखिए दूध भी है। तो हस्बैंड का कहना है कि दूध का बना दो पनीर, तो मैं वही करूंगी आज, पनीर ही बनाऊंगी। और कद्दू, और तो फ्रिज से कुछ निकालना नहीं है फिलहाल,
इतने से ही काम चलाएंगे, और इसको कद्दू की सब्जी ले जानी पड़ेगी लंच में। तो फ्रेंड अब चलिए काट लेते हैं सब्जी, है ना। तो चलिए यहाँ पर दूध, चाय में दूध डाल दिया मैंने, पत्ती और पानी डाल के उबाल दिया था, चीनी और डाल के, तो उबल चुका है। तो इसके अंदर मैंने दूध डाला है, और इसके बाद मैं यहाँ पर सीताफल कट कर रही हूँ। तो सीताफल लाए हुए करीबन 6-7 दिन हो गए मुझे, मैंने नहीं कट किया था, नहीं बनाया था, सॉरी। एक दिन बनाई थी मैंने थोड़ी सी वो खट्टी वाली सब्ज़ी, जो कि मुझे भी पसंद है खट्टी सब्ज़ी, लेकिन हस्बैंड को नहीं पसंद आई। तो आज बस मीठी बना दे रही उनके लिए, और बनाऊंगी साथ में दाल चावल। तो मैं किसी भी चीज़ के साथ दाल चावल खा लूँ, दाल चावल खा लूँगी। जैसे अभी साग है, वो भी मेरा फेवरेट है, जीविकंद का चोखा है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और सेम का अचार है, वो भी मुझे पसंद है, और टमाटर की चटनी, वो भी मुझे पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं खा लूँगी, तो बस इनकी पसंद की सब्ज़ी बना देती हूँ। और ये मीठी, ये हाफ के जी है ना, बट इसकी सब्ज़ी जो हम जिस तरीके से बनाते हैं बिल्कुल चटनी की तरह थोड़ी सी हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी गल के। तो इसको मैं काट लेती हूँ, फिर धुल के छोंक दूँगी, और चाय उधर मेरी बन रही है। तो मेरा ये है ना कि चाय मेरे को ऐसा लगता है मैं सुकून से पीऊँ, जब उसके आगे और पीछे कोई काम नज़र ना आए। तो मैं सोच रही हूँ चाय इसको करके सब्ज़ी छोंक दूँगी। इसकी सब्ज़ी में ना कोई भूंजने भूंजने का काम नहीं है, तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बननी है इसकी। तो मैंने कहा चलो पहले कर लेते हैं, अपने इधर का काम निपटा लेते हैं, और सब्ज़ी छोंक कर ही आराम से चाय पीऊँगी। और जब तक मेरी चाय भी बन गई, और चाय बनते बनते मेरा इधर एक भी ये भी काम हो गया, है ना। तो चलिए सब्ज़ी कट करके रख लिया मैंने, अब छिकल वगैरह मैंने डाल दिया डस्टबिन में, और अब मैं धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि ये लंच के बर्तन हैं। दोपहर मतलब दोपहर क्या, शाम ही हो गई थी खाने में, 4:30 बजे तो हस्बैंड आकर खाना खा के गए। तो बस वो बर्तन थे, और रोटी बनाई थी मैंने दोपहर में, और सुबह मैंने शाही पनीर बनाई थी। तो थोड़ी सी बनाई थी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पनीर पसंद नहीं, मुझे पनीर का कोई भी आइटम पसंद नहीं है, पनीर चिल्ली वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ पनीर का पराठा खा लेती हूँ। तो आज मैं जो सुकल आज का जो मेरा दूध है 1 kg जो आया है, उसका मैं पनीर बनाने वाली हूँ, और कल या परसों मैं उसका पनीर का पराठा बनाऊँगी। आलू और पनीर मिक्स करके जो पराठा था वो बहुत टेस्ट लगता है। तो और उसके साथ बनाऊँगी क्या, हाँ बूंदी वाला रायता, दही का जो बूंदी का रायता था वो। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तो मैं बताती हूँ कि आप लोगों को कि सब्ज़ी मैं किस चीज़ से छोंकती हूँ। तो सीताफल की सब्ज़ी जो है हम लोग मेथी के दाने से छोंकते हैं, मेथी हो गया पंचफोरन से वैसे छोंकते हैं। देखिए ये है आज का दूध, तो इसको मैं एक साइड चढ़ा देती हूँ उधर, ताकि ये दूध बॉयल हो जाए, तो इसको मैं फाड़ के पनीर बना लूँ। तो देखिए तेल मेरा गरम हो चुका था, तो मैंने इसमें तेज़पत्ता, लाल मिर्च, मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा डाला है। ऐसे वैसे इसमें मेथी और लाल मिर्च का जो फ़ौरन होता है ना, बहुत ही उससे सौंधी सौंधी सी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं खाती नहीं हूँ ना, फिर भी मैं बता रही हूँ, सीताफल की सब्ज़ी मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बचपन से ही नहीं खाती हूँ, पसंद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ बनाती हूँ, घर में सबको पसंद है। और हस्बैंड तो पहले, मतलब मैं सीताफल की सब्ज़ी मैंने अपनी शादी के बाद मुझे लग रहा पहली या दूसरी बार बनाई है, क्योंकि ये भी नहीं खाते थे एक्चुअली। ऐसा होता है ना, तो दुकान के नीचे अगर ठेले पे अगर इनकी नज़र पड़ जाती है देखते हैं, तो इन्होंने बोला कि ले लो, मैंने कहा ले लीजिए बना दूँगी, कहा मन कर रहा खाने का। तो कभी कदार ऐसी चीज़ें, मेरे हस्बैंड बहुत सी सब्ज़ी ऐसी जो नहीं खाते, कटहल नहीं खाते कभी भी, मशरूम नहीं खाते वो, और क्या नहीं खाते, और भी कुछ कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, पसंद क्या बिल्कुल मतलब मुँह पे नहीं रखते। चाहे भिंडी की सब्ज़ी होगी गीली पानी वाली, वो भी नहीं खाते। तो यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने नमक और हल्दी और चीनी 3 चीज़ डाल दी है, थोड़ी सी हदी से मैं चीनी भी डाला है मैंने, क्योंकि ये सब्ज़ी मीठी होती है और गुड़ की बने तो ज़्यादा अच्छी होती है, बट इनको गुड़ की पसंद नहीं है, तो मैं चीनी ही डाल देती हूँ। और इसको मैंने ढक दिया है, अब ये गल जाएगी अच्छे से, और तब तक मैं इधर दाल भी धुल के रख लूँगी, ताकि जब सब्ज़ी हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी को मेरे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, सीताफल तुरंत गल जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर दाल कर दूँगी। मैंने कहा ना कि जो चाय होती है ना, मैं सुकून से पीना चाहती हूँ। तो बस हो गया मेरा सारा काम, मेरी दाल भी निकाल धो कर रख दिया मैंने, सब्जी बनने को रख दी है, और चाय लेकर अब बैठी हूँ। मेरी जो मतलब जो मैं चाय पीती हूँ ना, वो मेरा ये रहता है कि बस सुकून वाली चाय पीऊँ। अभी मुझे बालों में तेल लगाना है, कंघी करनी है बाल, आप देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को ना यहीं पर एंड करती हूँ, और पी लेती हूँ मैं चाय, बैठा ली मैंने चाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।